है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंड आराम ऑफ। आज मैं आपके साथ एक ऐसा फेस मास्क शेयर करूंगी जो आपके स्किन को एकदम यूथफुल, ग्लोइंग एंड शाइनिंग बना सकता है। इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल या फिर रोजहिप जेल या फिर पपाया जेल, कुकुम्बर जेल, जो जेल आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हो। गाइस, एलोवेरा जेल से हाइड्रेटिंग होता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें चाहिए कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क। रॉ मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड और इससे हमारे चेहरे को अच्छे क्लिंस होती है। और थर्ड इंग्रेडिएंट है टर्मरिक यानी कि वाइल्ड हल्दी, वाइल्ड कस्तूरी हल्दी। हल्दी से हमें मिलता है ब्राइट ग्लोइंग स्किन और हमारे एक्ने पिंपल्स को सब ख़त्म करती है हल्दी। चलिए हम इसे बनाते हैं। मैं लूँगी 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल और इसके बाद लूँगी थोड़ी सी हल्दी। और इसके बाद मैं लूँगी थोड़ा सा कच्चा दूध। कच्चा दूध इसमें ज़रूर ऐड करना और इसकी शेल्फ लाइफ होगी 3 दिन। 3 दिन आप ये फेस मास्क को बना के यूज़ कर सकते हो। फ्रिज में स्टोर करना मत भूलना। 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करो और 1 माह तक ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, रेगुलर अप्लाई कीजिएगा। और इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना मत भूलिएगा। गाइस, एक एप्लीकेशन में ही आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके चेहरे पे एक्नी, ब्रेकआउट्स, पिंपल्स हैं तो वो उसको भी ख़त्म करेगा। अगर आप चाहो तो इसमें 1 से 2 ड्रॉप ट्री ट्री ऑयल भी शामिल कर सकते हो। चलिए आप, मैं इसे लगा के दिखाती हूँ। 20 मिनट्स के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठंडे पानी से फेस वॉश कीजिएगा, मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।